सिंह जी और बेटा सिद्धू और मेरे शहर के गणमान्य व्यक्ति बहने, आप सब यहाँ आए। बहुत ही बढ़िया ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ। आप सब के आने से इसमें और भी रौनक आई। ये एक अलग तरह की बसावट और अलग तरह की एक व्यवस्था है। आम शहर में रहना और सोसाइटी में रहना दोनों अलग अलग बातें हैं, तो मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ छोटा सा निवेदन करूंगा कि सोसाइटी में रहने के लिए एक अलग तरह का माहौल और सोच होती है। अगर आप उस सोच से चलेंगे तो आप यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। आप शहर में जो लोग रह रहे हैं उनसे 10 गुना ज्यादा एंजॉय करेंगे। अगर वो स्पिरिट आप में नहीं होगी तो यहाँ आप बढ़िया तरह नहीं रह पाएंगे। सबसे बड़ी बात है सौहार्द्य की। आप यहाँ सौहार्द्य से रहे, एक परिवार होगा ये पूरा। 144 जो परिवार हैं ये एक परिवार की तरह रहेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। तीज त्योहार आप इकट्ठे बनाइए। मैंने भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ बनाया है। हम लोग दिवाली होली सारे इकट्ठे बनाते हैं तो हमारा खूब एंजॉय होता है। सफाई व्यवस्था नगर पालिका की जिम्मेवारी है, नगर पालिका करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपका अपना एक छोटा सा परिवार, छोटा सा एक बहुत ही शानदार व्यवस्था से बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। इसको साफ सुथरा सुंदर रखने की जिम्मेवारी आपकी है। आप खाली नगर पालिका या प्रशासन के उसमें न रहें, खुद भी करें, आपको खूब मजा आएगा। पार्क को डेवलपमेंट करिए, आपने इसमें पानी डालना है, पौधे संभालने हैं, उतना ही बढ़िया लगेगा। बच्चों का यहाँ पे आप स्पेशल प्रोग्राम रख सकते हैं। कोई ट्यूटर बुलाना है, कोई और करना है, आप इकट्ठे होके सभी जो जितने बच्चे हैं क्लास के हिसाब से, मैंने शहरों में जाना आना रहता है सबका, आपका भी रहता है। आप अगर उन बच्चों को सामूहिक रूप से एक शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ चलाएंगे तो वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। भाई साहब ने इतना बढ़िया प्रोजेक्ट सिद्धू परिवार ने और एमएलए साहब के परिवार ने आपके लिए बनाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरह ये सुसज्जित होके और आपके रहने के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।